एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं हीरो ब्रायन एसएमपी के बारे में। वेयर इज हीरो ब्रायन एसएमपी? ये प्रश्न का उत्तर रॉक के पास भी नहीं है। रॉक के पास हर चीज का उत्तर होता है, पर इसका उत्तर नहीं है। तो गाइस, हमारे सीक्रेट सूत्रों से मालूम पड़ा है कि पूरा हीरो ब्रायन एसएमपी बैठ के माइनक्राफ्ट के शॉर्ट्स देख रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात की सच्चाई तक जाने के लिए हम लोग देखेंगे हमारे हीरो ब्रायन एसएमपी के सबसे पहले मेंबर के चैनल को। बराबर है, सच्चाई है। एक और मेंबर का चैनल लगाया जाए। इन लोग को हीरो ब्रायन एसएमपी के अंदर वॉर करने का था और ये लोग यहाँ बैठ के माइनक्राफ्ट के शॉर्ट्स देख रहे हैं। वेरी गुड। तो गाइस, इसी के साथ मैंने भी निर्णय लिया है कि मैं भी हीरो ब्रायन एसएमपी का मेंबर हूँ, जिसका मतलब गाइस मेरा भी पूरा अधिकार बनता है कि मैं भी बैठ के माइनक्राफ्ट के शॉर्ट्स देखूं। किसको वॉर करना है? ए गोटिया, घर में ले गया टीएनटी डिस्ट्रॉयर और वो जितना एक्स्ट्रा टीएनटी बांटते बच्चों में। हाँ, वो जो गोल्डन एप्पल जमा किया था ना, वो गटर में डाल क्या। होल राइट, तो हम लोग आ चुके हैं यूट्यूब के अंदर और अभी हम लोग यूट्यूब में सर्च करने वाले हैं माइनक्राफ्ट शॉर्ट्स। लोग यही सर्च करते हैं क्या? साला इन लोगों को कहां से मिल जाता है यूट्यूब के शॉर्ट्स? भाई लिटरली 5,000 व्यूज वाले शॉर्ट्स लोग को कहां से मिल जाते हैं? मतलब 5,000 मिलियन, मैंने क्या बोला, वैसे कुछ बोला। होल राइट गाइस, तो हम लोग अभी आ चुके हैं यूट्यूब के अंदर। यूट्यूब के अंदर आके हम लोग सर्च किया है माइनक्राफ्ट शॉर्ट्स और यहाँ पर ये क्या है, 2.7K। यहाँ पे लोग को 270 मिलियन दिख जाता है, मेरे को 2.7K मिलता है। पर गाइस, मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग यहाँ पर आएंगे फिल्टर्स में और फिल्टर्स में जाके हम लोग इसको सॉर्ट करेंगे बाय व्यू काउंट, जिससे अभी हमें यूट्यूब के सबसे ज्यादा व्यूड शॉर्ट्स दिखेंगे। साला ये तो शॉर्ट्स ही नहीं है। केव स्पाइडर रोलर कोस्टर एनिमेशन वर्सेस माइनक्राफ्ट शॉर्ट्स एपिसोड 14, और इसको 300 मिलियन व्यूज है। 300 मिलियन? मैंने जिंदगी में आज तक 30 मिलियन नहीं देखा, इसने 300 मिलियन व्यूज लेके आ गया। हाँ चला लो, एड चला लो। वीडियो विल प्ले आफ्टर एड। ओके ठीक है यार, तुम लोग ही मेरा एड देख तो मैं भी एड देखूंगा। अरे एक एड भगा दिया, लोग को 5-5 एड आते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टिकमैन ऐसा नेदर पोर्टल बनाने को जा रहे हैं। ये माइनक्राफ्ट का नया अपडेट लगता है। मैं जो माइनक्राफ्ट वर्जन में खेलता हूँ उसमें अभी तक स्टिकमैन आया नहीं है। ओके तो ये सारे बंदे केव के अंदर एक जगह पे आके रुक गए। क्या ढूंढ रहे हैं लोग? नेदर पोर्टल ढूंढ रहे हैं। लगता है किसी ने बताया नहीं कि नेदर पोर्टल बनाना पड़ता है, केव के अंदर नहीं मिलता है। अभी क्या हो गया? वार्डन आया क्या? ओए भाई, मकड़ी पकड़ के भाग गया बंदा। ये कौन सा माइनक्राफ्ट है, मकड़ी बंदा लेके भाग जाता है। हाई ला, ये क्या है? भाई ये वाले वीडियोस कौन देखता है यार, सीरियसली ये वाले वीडियोस कौन देखता है? और इस वीडियो के ऑफ कोर्स कमेंट्स आर टर्न्ड ऑफ। अगर इस वीडियो का कमेंट्स चालू होता ना गाइस, बड़ा मजा आता। लोग इस वीडियो के कमेंट्स में बहुत ही सुंदर सुंदर शब्द बोल के जाते। ओके मेरे को एक माइनक्राफ्ट का शॉर्ट्स मिल गया और ये शॉर्ट्स में 163 मिलियन व्यूज है। ओके तो ये शॉर्ट्स में है क्या? शॉर्ट्स में कॉपीराइट है। साला कॉपीराइट शॉर्ट चला दिया इधर मैंने तो गलती से। ओके तो शॉर्ट्स में क्या हो रहा है? ऊपर से कूद के हम बेड पे गिर रहे हैं। बेड पे ऑफकोर्स डैमेज नहीं पड़ता पता है मेरे को। फिर हम लोग हे बेल्स पे गिर रहे हैं। ए पहला गाना बंद करो, बहुत जोर से बज रहा है। ओके तो ये शॉर्ट्स हमको दिखा रहा है कि अगर हम लोग ऊपर से कूद के बेड पे या हे बेल पे गिरेंगे तो हमको डैमेज कम पड़ेगा, ये पता है। और कॉबवेब पे गिरेंगे तो डैमेज ही नहीं पड़ेगा। और लावा पे गिरेंगे तो हाँ, एक्चुअली लावा। ओ भाई ये क्या था? अबे अमोंग अस कहां से आ गया माइनक्राफ्ट के अंदर? साला बेशरम क्रिएटिव मोड में खेल रहा है ये देखो। और इसने वॉल्ट के नीचे, बेडरॉक के नीचे लव यू ऑल लिख के रखा है। 163 मिलियन व्यूज। जली ना तेरी भी जली ना। ओ भाई तभी गाइस, क्या तुम लोगों को बताया कि हमारा जो ये चैनल है, ये चैनल 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है। मजाक नहीं कर रहा, अपने को सिर्फ 6.2 मिलियन समथिंग ऐसा कुछ चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ना ऐसा एक प्ले बटन है, ये प्ले बटन ऐसा इधर आसमान में उड़ रहा है। नीचे एक लाल सब्सक्राइब बटन है, अगर तुम उसको दबाओगे तो ये जो प्ले बटन है ये फट से मेरे हाथ पे गिर जाएगा। जल्दी दबाओ। और अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी वीडियो को लाइक करो। आज की वीडियो का लाइक गोल रखते हैं 50,000 लाइक्स का। ऑलराइट, मेरे को एक और शॉर्ट्स मिला है जो कि है माइनक्राफ्ट नॉस्टैल्जिया। ओ हां, डू यू रिमेंबर दिस ओजी मैप्स ऑफ माइनक्राफ्ट?
ओ मेरे को ये याद है, टेम्पल ऑफ नॉच। यस मेरे को ये याद क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ना रेडस्टोन यूज किया था और मैं उस टाइम पे माइनक्राफ्ट नहीं खेलता था, और मतलब मैं माइनक्राफ्ट खेलता था पर मैं नहीं भी खेलता था, मतलब मैं उस टाइम पे माइनक्राफ्ट खेलता था। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं उस टाइम पे माइनक्राफ्ट खेलता था सिर्फ WWE के स्टेडियम बनाने के लिए, मैं और कुछ नहीं करता था। माइनक्राफ्ट में आके बस स्टेडियम बनाता था, क्रिएटिव में खेलता था, मैं सर्वाइवल माइनक्राफ्ट वो टाइम पे कभी नहीं खेला था। और तभी मैंने इसके बारे में डिस्कवर किया था, टेम्पल ऑफ नॉच। इसके अंदर रेडस्टोन का क्लॉक या कुछ तो यूज किया था, एंड उसके मदद से इसका जो आंख है वो आंख जलता है या बंद होता है, ऐसा कुछ तो सीन था इसका। वो रहा रेडस्टोन। ये क्या है? Stampy's lovely। ओ भाई, ओ गाइज, मैंने Stampy's के वीडियोस कभी उतने ज्यादा ईमानदारी से फॉलो तो नहीं किए थे, पर मेरे को पता है कि Stampy कौन था, Stampy क्या था। अगर तुम लोग को इसके बारे में नहीं पता है, ये लिटरली बहुत पुरानी बात है। तो Stampy के साथ एक जो बंदा खेलता था उसके ऊपर कुछ तो एक केस हुआ था, समथिंग, कुछ तो एक लीगल बैटल या कुछ चला था, उसके चक्कर में Stampy का पूरा वर्ल्ड ही बंद हो गया। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, बट तुम लोग दूसरे यूट्यूब वीडियोस में देख सकते हो, इसके बारे में कुछ तो जरूर होगा। बट Stampy's वर्ल्ड, मुझे नाम याद है मुझे इसका। ये क्या है? माइनक्राफ्ट व्हाट? माइनक्राफ्ट के अंदर ट्यूटोरियल वर्ल्ड था? क्या बात कर रहे हो? माइनक्राफ्ट के अंदर ट्यूटोरियल वर्ल्ड था? गाइस अगर तुम लोग एक्चुअली चाहते हो कि मैं माइनक्राफ्ट का ट्यूटोरियल वर्ल्ड ढूंढ कर खेलूं, तो मेरे को कमेंट करके बताओ कि हमें ये ट्राई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर मुझे बहुत लोगों ने कमेंट करके बताया तो मैं माइनक्राफ्ट का ट्यूटोरियल वर्ल्ड ढूंढूंगा और ढूंढ के खेलूंगा माइनक्राफ्ट का ट्यूटोरियल। क्यों पता नहीं पर ऐसा खेलूंगा। ओके, ये एक अकेला शॉर्ट है जो देखना वर्थ है, और इसको सिर्फ 84 मिलियन व्यूज है साला। मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में एक और शॉर्ट आएगा 800 मिलियन व्यूज वाला। माइनक्राफ्ट RTX 12% बर्निंग बोन्स लूप। ये क्या है? 67 मिलियन व्यूज। ओके, यहाँ पे एक स्केलेटन है। भाई एंडरमैन क्या दिख रहा है, मतलब मैंने इससे भी खतरनाक वाले एंडरमैन के वर्जन देखे, पर ये ठीक ठाक दिख रहा है, इसको देख के उतना डर नहीं लग रहा है, और स्केलेटन तो डुबड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पर एंडरमैन आके स्केलेटन को एक डायमंड देता है, और स्केलेटन डायमंड लेके सोच रहा है, और ओए ओए आगा गया गया नहीं बच गया, फेंक दे फेंक साले को, गधा कहीं का। भाई डायमंड दिया था, एक डायमंड पकड़ने को भी नहीं आता, डायमंड को लावा के अंदर फेंक दिया। गुड जॉब एंडरमैन, गुड जॉब, वेरी गुड। एंडरमैन के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। एंडरमैन ने स्केलेटन को उठा के लावा के अंदर ही फेंक दिया। मर साले, नुबड़ा कहीं का। आइसे शॉर्ट्स बनाता कौन है? बनाता तो ठीक है, आइसे शॉर्ट्स देखता कौन है? 18 मिलियन व्यूज है इसको। भाई इसमें बस स्टीव डायमंड का आर्मर पहन के गोल 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 घूम रहा है, उसको 18 मिलियन लोग ने देखा है। भाई दुनिया बर्बाद है, कभी कभी तो बोलता हूं मैं। ओ गधा कहीं का। हाउ वेल डू मॉब्स क्रॉस अक्रॉस? अबे तुम्हें अगर सच बताऊं, ऐसा अगर पतला से एक रास्ता मुझे दिया, मैं नीचे गिर जाऊंगा बिना शिफ्ट पकड़े। एक तो मॉब होना चाहिए क्रॉस। ओ भाई शीप ने क्रॉस कर लिया। नाइस शीप, वेरी गुड। माइनक्राफ्ट RTX 20% डाइंग फॉर डायमंड्स। ओके, तो यहाँ पर एक स्केलेटन आके डायमंड के ब्लॉक को खींच रहा है, ये ऐसा आबे पिकैक्स यूज कर गधे मुक्का मार रहा है TNT से। अबे TNT से कौन फोड़ता है यार, खुद ही मर गया गधा। और यहाँ पर एंडरमैन आया, सीधा ब्लॉक उठा के गायब हो गया। इससे मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ कि हमने एंडरमैन को हमेशा ग्रास ब्लॉक उठा के भागते देखा है, क्या एंडरमैन डायमंड के या नेदरराइट के ब्लॉक्स को उठा के भाग सकता है? ये अपने को एक दिन एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। माइनक्राफ्ट RTX 59% सिंप। अब इसमें क्या है? Yeah, एक क्राफ्टिंग टेबल है, ये कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक माइनक्राफ्ट है। भाई नीचे पहाड़ वहाड़ दिख रहा है। ओ भाई ड्रीम लेवल माइनक्राफ्ट क्राफ्टिंग। और कॉबवेब था नीचे, येड़ा बनाया जस्ट लाइक ड्रीम। गाइस ड्रीम ने भी सबको येड़ा बनाया था, पूरे माइनक्राफ्ट को बंदा येड़ा बना के निकल गया, और आज भी लोग बोलते हैं ड्रीम ओपी। व्हिच एनिमल साउंडेड द बेस्ट? ये कैसा वीडियो है? कॉपीराइट आएगा मत बजा।
गोटिया वीडियो का ऑडियो काट दे। तुम लोग को समझ रहा है कौन सा गाना पीछे बज रहा है? अगर ये गाना मैं बजा दूं तो YouTube घर पे आके मारेगा, फिर पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो खाना कैसा खाएगा, फिर मम्मी घर से निकाल देगी। इस पे कॉपीराइट नहीं चाहिए मेरे को। ओ TNT लगा के भाग गए भाई। ये शॉर्ट्स कौन देखता है यार, सीरियसली यार, मेरे से दिखा नहीं जा रहा ये शॉर्ट्स। और गाइस, इतने देर तक मेहनत करने के बाद फाइनली मुझे वो वीडियो मिल गया, द मोस्ट व्यूड माइनक्राफ्ट वीडियो ऑन YouTube। और गाइस, तुम लोग में से कोई बिलीव नहीं कर सकता है कि इस वीडियो में कितने व्यूज है। इस वीडियो में है 644 व्यूज। ऐसा मिलियन मिलियन नहीं है, सिर्फ 644 है, ज्यादा नहीं है, बस 644। माइनक्राफ्ट RTX 54% सेव द स्पाइडर। ये माइनक्राफ्ट पे चल क्या रहा है? 29% RTX, 51% RTX, 54% RTX, 36% RTX। एक सेकेंड, माइनक्राफ्ट 69% RTX। क्या माइनक्राफ्ट में 69% RTX है? ओह यस है, ये मेरा माइनक्राफ्ट का फेवरेट शॉट्स है। ओह यस, 69% एक्वेरियम ट्यूटोरियल। ये क्या बना रहा है भाई? गू रख दिया उसने रीच पे, नहीं ओके, ये लैंप बना रहा है लैंप। ओके, ट्रैप डोर साइड में, मतलब ये डिसाइड कौन करता है कि 69% है, 59% है, 49% है? बना क्या रहा है? ओ ओ ओ भाई, ये क्या है? भाई मच्छी देखा उसके अंदर तुम लोगों ने? भाई क्या रियलिस्टिक मच्छी डाला था। बट गाइस, ये मेरा माइनक्राफ्ट का सबसे फेवरेट शॉट्स है। 69% RTX, इट्स एन RTX ऑफ क्लास। इस RTX में बहुत क्लास है, बिल्कुल 69%। सो गाइस, मेरे जो घर का इंटरनेट है वो पिछले 2 दिन से बंद हुआ पड़ा है, और मेरे ISP का जस्ट मैसेज आया कि नॉट फ्रॉम माय एंड। क्या मैं लिटरली बाकी का वीडियो हॉटस्पॉट पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ? और हाँ गाइस, ये मेरा मेन फोन नहीं है, मेरा मेन फोन ये है, ये मेरा ऐसे ही सेकेंडरी फोन है, कभी कभी मतलब ऐसे नॉर्मल हरकतें करने की जरूरत पड़ती है। रुको जरा, ISP वाले का मैसेज आया, उसको फोटो भेज देता हूँ। ओ, जिन लोग को देखना है, यहाँ पर एक लाल लाइट जल रहा है, वो लाल लाइट का मतलब कि मेरा इंटरनेट बंद है। गाइस, तो वापस चलते हैं आज के वीडियो के मुद्दे पे। हम लोग देख रहे थे कुछ मजेदार माइनक्राफ्ट शॉट्स जिसपे बहुत ही खतरनाक व्यूज है। क्यों इतने खतरनाक व्यूज है ये हम में से कोई नहीं जानता, पर हम लोग ऐसे वीडियोस देख रहे हैं। नूब वर्सेस प्रो वर्सेस हैकर पार्कोर इन माइनक्राफ्ट। भाई ये नूब वर्सेस प्रो वर्सेस हैकर का क्या ट्रेंड चल रहा है? मतलब नूब में एक एक्चुअली नूबड़े को दिखा देंगे, प्रो में एक ऐसे बंदे को दिखाएंगे जिसको एक्चुअली खेलना आता है, और हैकर में बंदा लिटरली क्रिएटिव लगा के उड़ता रहेगा। ऑलराइट, तो पहला ये नूब वाला पार्कोर है जिसमें नूब बड़े आसानी से पार्कोर, मतलब सिंपल से पार्कोर था। ये क्या, ओए भाई ओए, ओ स्लाइम ब्लॉक लगा के जंप कर गया, और ये TNT के ऊपर से, ओके ओके ओके। और ये प्रो वाला है, प्रो वाले में क्या है भाई? स्ट्राइडर। ओ भाई, ओ भाई, भाई लोग करते कैसे ऐसे पार्कोर? और ये हैकर वाला पार्कोर है, इसमें कुछ तो खतरनाक होना चाहिए, इसमें कुछ तो ओपी होना चाहिए, ठीक है? ओके ओके ओके, सीधा नेदर में हम लोग आ गए। अबे वेट, एक सेकेंड, व्हाट? वो एंड में लावा में गिरता है और उसका पिकैक्स जो है वो टोटम की तरह यूज होता है। कैसा? ओ अच्छा, समझा, तभी तो वो हैकर है, क्योंकि वो टोटम के ऊपर पिकैक्स का टेक्सचर पैक लगा के टोटम को पिकैक्स की तरह यूज कर रहा है। पर सीरियसली यार, लोग ये करते कैसे? हवा में उड़ते उड़ते चेस्ट से चीजें निकाल लिया, क्राफ्ट कर लिया, बोट लगा लिया। मतलब जिन लोग को ये लेवल का पार्कोर करने आता है भाई, मेरे को तो नहीं आता है। इंस्टेंट कार्मा इन माइनक्राफ्ट। ओके, तो यहाँ पे स्टीव नीचे खोद रहा है और वहां पे दूसरा बंदा, स्टीव को डायमंड मिल गया और दूसरे बंदे को सिर्फ आयरन मिला। और ये क्या हो रहा है? TNT लगाकर, भाई हुआ क्या इसमें? अगर इसमें इंस्टेंट कार्मा क्या था? स्टीव को वहां पे ऑब्वियसली खुद से मेहनत करके डायमंड मिला, तो उसने डायमंड उठा लिया, दूसरे बंदे को नहीं मिला तो वो टॉक्सिक हो गया, और टॉक्सिक होके उसने TNT लगा दिया और उसको कुछ हुआ भी नहीं।
ये कौन सा इंस्टेंट कार्मा है? ये बंदा लेजेंड टॉक्सिक था। इसे कमेंट्स में है, वाओ सो गुड, स्टॉप, व्हाई डू आई कीप सीइंग दिस वीडियोस, टू मेनी ऑफ दीस मींस आई डोंट अंडरस्टैंड। और सबसे भारी कमेंट है केसी अग्रवाल की तरफ से, जिसने लिखा है ओ। और अगला शॉट, हीरो ब्रांड रेस्क्यू इन माइनक्राफ्ट। क्या इन लोग हीरो ब्रांड को रेस्क्यू करेंगे या हीरो ब्रांड इनको रेस्क्यू करेगा? ओके यहाँ पे ओके हीरो ब्रांड को लटका रखा था। भाई भाई हीरो ब्रांड इतना कथा तो नहीं है यार, दो ब्लॉक का जंप नहीं मार सकता, वो दो ब्लॉक था बस, दो ब्लॉक जंप तो ऐसे मार लेगा हीरो ब्रांड। ओके तो ये प्लेयर था कि हीरो ब्रांड को बचा लिया और बच के हीरो ब्रांड कल्टी मार गया। अभी ये बंदा खाना वगा रहा है और दरवाजे के बाहर, ओ भाई हीरो ब्राइड ने क्या सामान दिया उसको, ओ शिट भाई, हीरो ब्राइड ने लिटरली एक चेस्ट भर के उसको डायमंड्स और डायमंड के ब्लॉक्स दिए। तो गाइस अगर तुमको कहीं भी हीरो ब्राइड अटका हुआ दिखे उसको फटाक से जाके बचाओ, वो तुमको भर भर के डायमंड देगा। साला हैकर है हीरो ब्राइड। थिंग्स यू डोंट नो अबाउट माइनक्राफ्ट। ओके एंडरमैन को देखा और एंडरमैन पीछे पड़ गया। कितने साल से खेल रहे हो? एक साल से, दो साल से, वेट तुम लोग 10 साल से खेल रहे हो, बट ये चीजें तुम लोगों को भी नहीं बताऊंगी या मे भी 1% को बताऊंगी। नंबर क्या चीजें? डू यू गाइस नो दैट ज़ॉम्बी, पिगलिन, हस एंड राउंड, ये सब लोग बैटल के टाइम 100 ब्लॉक्स के रेडियस में अपने दोस्तों को फोन कर सकते हैं। सिंपल भाषा में बोलूं तो लाइक वहाँ पे तुम लोग बहुत सारे ज़ॉम्बीज को देख सकते हो ना। अगर मैं इनके साथी को मारता हूँ देन जो ज़ॉम्बीज उस तरफ मुंह करके खड़े थे वो भी अपनी शक्ल उठा के इधर आ जाएंगे। एंड ये छोटू तो 5G की स्पीड से आता है भाई। सच में यार ज़ॉम्बी का बच्चे का क्या स्पीड है यार, उसका स्पीड कम कराओ पहले। लोग अपने चैट सेक्शन में ये वाली कमांड डालते हो देन गेस व्हाट, तुम लोग कूल दिखोगे। यस कूल दिखोगे, कूल। एंड इस भाई कान के अंदर लाइटनिंग रॉड घुस गया भाई। तुम लोग ग्लास के जार के अंदर आ जाओगे। नंबर 3 एंड तुम लोग रंग बिरंगी शील्ड बना सकते हो बाय जस्ट एडिंग बैनर इन इट। ये पता था मेरे को, मुझे ये पता है कि शील्ड के ऊपर हम लोग डिजाइन भी लगा सकते हैं अलग अलग, कैसे वो मेरे को याद नहीं है पर हम लगा सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल अच्छा है भाई। ये सही तरीका है सब्सक्राइबर मांगने का, सब्सक्राइब कर लो गाइस, ये चैनल बहुत अच्छा है, जल्दी सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छा चैनल है। माइनक्राफ्ट टिकटॉक हैक्स दैट एक्चुअली वर्क। ओके ऐसे कौन से टिकटॉक्स हैं जो एक्चुअली वर्क करते हैं? तो यहाँ पर अंदर एक विदर स्पॉन कर लिया और विदर के आसपास इसने बहुत सारे हनी बीज स्पॉन कर दिए। ओके थोड़े ज्यादा हनी बीज हो गए अभी। और वेट हुआ क्या? हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एक सेकेंड, विदर वाला अलग था और ये एंडरपल वाला अलग था। इस वीडियो में क्या हो रहा है, क्या किसी को समझ रहा है? और अभी ये बंदा लकड़ी का दरवाजा बना रहा है और इसने बाहर ऐसा मजेंटा पिंक पर्पल कलर के कारपेट लगा दिए और अभी इसने आगे एक ट्रैप डोर और ये इसने, हाँ ये मुझे पता है चीज काम कैसे करती है। गधे ऊपर एक ये ब्लॉक चाहिए और नहीं ऐसे चलती है बराबर। हुआ क्या शॉट में? देखो गाइस शॉट का एक फायदा भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। शॉट्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, शॉट्स के साथ ये है कि अगर तुमको 60 सेकंड का कुछ देखना है तो वीडियो पे क्लिक करो, 60 सेकंड का अपना चीज देखो और कल्टी मार लो। पर उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि कुछ लोग शॉर्ट्स का जब एडिटिंग करते हैं उन लोग आधे चीजें काट के निकाल देते हैं और समझ में नहीं आता कि शॉर्ट्स में हो क्या रहा है। जैसे ये भीतर की उम्र से इतने सारे जो बीस छोड़ दिए वो कैसे काम करता है उसे दिखाया भी नहीं। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं बताता हूँ, अगर तुम भीतर के ऊपर ढेर सारे बीस छोड़ोगे तो वो सारे बीस उस भीतर के पास जाएंगे और उनके पिछवाड़े में जो कांटा लगा हुआ वो कांटा ऐसे चुबा चुबा के भीतर को कल कर देंगे। RIP। ओके यहाँ पर एक भीतर है, एक ज़ॉम्बी है और यहाँ पर ढेर सारा एमरल्ड है। तो ये बंदा एमरल्ड लेने चला गया। अबे गधे हीरो ब्रांड को बचा ले। अबे शिट मैं विदर बोला क्या? हीरो ब्रांड है भाई, हीरो ब्रांड को बचा लेता तेको डायमंड देता भर भर के वो। बड़े नहीं, यहाँ पर हमने क्राफ्टिंग टेबल रख ली है और क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर एमरल्ड से हमने बना ली एमरल्ड के ब्लॉक्स और एमरल्ड के ब्लॉक्स से हम लोग ने ज़ॉम्बी को फेंक दिया और हमने बचा लिया हीरो ब्रांड को और हीरो ब्रांड ने इसको धर लिया।
भाई इस स्टोरी में क्या ट्विस्ट है भाई। ओ भाई इस स्टोरी में बॉलीवुड से ज्यादा ट्विस्ट है। इतने ट्विस्ट तो बॉलीवुड के मूवी में नहीं होते, इतने स्टोरी के अंदर ट्विस्ट है। तो इस बंदे ने पहले हीरो ब्रायन को बचाने की जगह सारे एमरल्ड उठा लिए, फिर उसने बचाया हीरो ब्रायन को, और जब उसने हीरो ब्रायन को बचाया, हीरो ब्रायन ने इसको धर लिया, धर के एक बेडरॉक के कमरे में बंद कर लिया और तीर मार के इसको लावा के अंदर गिरा दिया। पर नहीं गाइस, हीरो ब्रायन ने उसको लावा के अंदर नहीं गिराया, हीरो ब्रायन ने उसको भेजा एक एमरल्ड के कमरे के अंदर, जहां पे हीरो ब्रायन उसको भर भर के एमरल्ड्स दिए। एक स्टोरी में इतने सारे ट्विस्ट। हाउ टू बिल्ड अ ह्यूज कॉबलस्टोन टावर, वो ये मेरे को पता है, मैंने ये हरकत ही किया था जब मैं हासियांदा के अंदर कासल बना रहा था। ये चीज काम एक्चुअली करती है गाइस, ये बहुत सही टेक्निक है, ये बहुत सही काम करती है, सरप्राइजिंगली वर्किंग टेक्निक है ये। भाई लिटरली तुम्हारे टावर बन जाएगा, मतलब कितना इजी है टावर को बनाना। और यहाँ पर कभी लगता है कि इतना बड़ा टावर बनाने कितना हमको ब्लॉक प्लेस करना पड़ेगा, पर कुछ नहीं करना है, बस लावा गिराना है, उसके ऊपर पानी गिरा देना है। पर मेरा ये पूरे शॉर्ट्स में एक ही क्वेश्चन है, यहाँ पर नीचे वो डक क्या कर रहा है? वो डक की शक्ल देखो, क्या कर रहा है डक? ये वो डक खुश है या उदास है या उसके मन में कुछ और चल रहा है, ये कोई नहीं जानता है। भाई यार पीसी पे व्हाट्सएप 2 मिनट के लिए चला लो भाई, पूरा परिवार का ग्रुप एक्टिव हो जाता है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट सब भेजेंगे। अरे अभी तो शाम के 5 बज रहे हैं, अभी क्यों गुड नाइट भेज रहे हो, अजीब लोग है। ओके अगला है माइनक्राफ्ट व्हाट, ये क्या? भाई किसी ने लेगो से माइनक्राफ्ट का क्राफ्टिंग वाला टेबल बनाया। What? भाई उसने एंड में ऐसे स्लाइड कर दिया और वहां से बीकन बाहर आ गया। What the hell? भाई यार ये चीज कूल है। अबे ये मेरे को भी चाहिए, ये टॉय कहाँ मिलता है? भाई हमने सारे ग्लास लगाए और वो नेदर स्टार की जगह हमने पता नहीं सनफ्लावर क्यों लगाया हमने वो नेदर स्टार का सनफ्लावर बना दिया, और सब बनने के बाद भाई बीकन बाहर आ गया। यार ये बस चीज है यार, ये मेरे को चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये नहीं मिलेगा। अगर तुम इंडिया में माइनक्राफ्ट टॉय सर्च करोगे तुम्हें माइनक्राफ्ट का पेंसिल बॉक्स दिखता है अमेज़न पे। और अगर भी ये टॉय गलती से इंडिया में मिला, कम से कम 40-50 हजार लेंगे ऐसे टॉय का। हमारे माइनक्राफ्ट के 3 ऐसे यूट्यूबर्स जिनके पास सबसे महंगी कार है। नंबर 2 पे यस स्मार्टी पाई, इनके पास स्मार्टी पाई थार है जो कि हमारे इंडिया में अराउंड 14 लैक्स की आती है। नंबर 2 पे हमारे गेमर फ्लीट, और अंशु भाई के पास एक टाटा हैरियर है जिसका प्राइस अप्रोक्स 15-16 लाख के करीब होता है। कौन सा 15 लाख, 20 लाख का आता है वो। सो नंबर 1 पे है चपाती हिंदुस्तानी गेमर यानी हमारे पम्मी भाई, जिनके पास 45 की एक मर्सिडीज बेंज है। एंड इनमें से आपका फेवरेट यूट्यूबर कमेंट करके बता देना। चुपाती के पास 45 लाख का मर्सिडीज बेंज है। भाई ये कंफर्म करना है मुझे, रुक जाओ भाई, हमें नहीं बताया चपाती ने उसके पास मर्सिडीज बेंज है 45 लाख का है। 45 लाख का मर्सिडीज बेंज, फोन करके पूछेंगे। अच्छा पति फोन नहीं उठा रहे। फोन उठा। ओ शिट गाइस, चपाती हगने बैठा है। सॉरी चपाती भाई, सॉरी। चपाती हगने बैठा है, चपाती को बाद में पूछेंगे गाड़ी के बारे में। ओके इसने एक बाल्टी फेंका और हग दिया। व्हाट भाई, ये क्राफ्टिंग करके नीचे गिरने का ट्रिक क्या था? माइनक्राफ्ट क्रीपर्स रेट फ्रॉम 1 to 10, क्या हो रहा है? भाई ये कौन से क्रीपर है? Here we go again. नीला क्रीपर, ये चलता हुआ क्रीपर, ये पता नहीं कौन सा क्रीपर। भाई ऐसे वीडियोस देखता कौन है? और ऐसे वीडियोस को लिटरली 100-100 मिलियन व्यूज है। भाई 100-100 मिलियन व्यूज क्या होता है? Nobody knows this. But हमने यहाँ पर एक ये पता नहीं मुझे कौन सा ब्लॉक है जो हाथ से टूटता भी नहीं है। एक इको शार्ड, और ये इससे क्या बना? स्कल क्वीन।
गाइस देखो, बाकी का जो भी शॉट था ना उसको मैं एक बार इग्नोर कर दूंगा कि वहाँ पे जो भी हुआ उसको इग्नोर हम कर सकते हैं, ठीक है। कि वहाँ पे वो स्कल्क वेड लगा के एक नेदर पोर्टल खोल रहा है, इसको हम लोग एक बार इग्नोर कर लेंगे। पर बंदा जब पीछे मुड़ता है वहाँ पे साला एक वार्डन है, वो वार्डन का हाइट होगा कुछ नहीं तो 50 ब्लॉक, उससे मेरी फटेगी भाई। जो नॉर्मल साधारण सा वार्डन है 4 ब्लॉक का, उसको देख के फटती है, वो क्या वार्डन है भाई। माइनक्राफ्ट के अंदर कभी अगर ऐसा वार्डन ऐड हो गया ना, मैं माइनक्राफ्ट खेलना ही छोड़ रहा हूँ। गेम ही क्या भाई, मैं खेलूंगा ही निकल से माइनक्राफ्ट। ओके, माइनक्राफ्ट नॉर्मल वर्सेस। ओह, वो सैंड कितना सैटिस्फाइंग था। वो सैंड देख के ऐसा दिल में कुछ तो हुआ। ओके, 2022 में साधारण पानी बह रहा है तो 2025 में क्या था भाई, ऐसा लग रहा नाक बह रहा है। मेरे को ये नहीं चाहिए जी, ये माइनक्राफ्ट कभी नहीं खेल रहा हूँ मैं जी। ऐसे पानी में कूदोगे लगेगा तुम किसी का नाक बह रहा है उसमें कूद गए, जिसको हम लोग शेमबुड बोलते हैं, जो ऑलरेडी सुन के बहुत डिस्गस्टिंग लगता है। मतलब ऐसा वर्ड का नाम ही ऐसा होना चाहिए कि सुन के डिस्गस्टिंग लगे। मतलब देखो, एक जगह पे लोगों ने गू को नाम दिया है गू। गू सुनो कितना क्यूट सा लगता है गू, और फिर जो नाक से निकलता है उसको बोलते हैं शेमबुड। वो सुन के ही लगता है कुछ तो गंदा है, ची थू क्या ये। मतलब मैं अगर किसी को बोलूं ना तू गू खा ले, वो बोलने का मेरे को शर्म नहीं आता, मेरे को खराब नहीं लगता है। पर अगर मुझे किसी को बोलना हो कि भाई तू शेमबुड खा ले, सुन के मुझे कैसा हो रहा है कि ची भाई नहीं बोलूंगा मैं ऐसी चीजें। ओके, 2022 में नॉर्मल लावा। और ये क्या है भे, ये क्या है भाई, सुपरमैन बन गया वो डिस्पेंसर लिटरली सुपरमैन बन गया। सो एनीवे गाइस, आई थिंक सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप सो आपको आज का वीडियो देखकर मजा आया होगा। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब करो, और तुमसे मिलता हूं अगली वीडियो के लिए। बाय बाय।